और भाई लोग क्या हाल चाल, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो आज हम देखने वाले टोनी के लाइफ के सारे आर्मर्स को, मतलब अभी तक एमसीयू ने टोनी ने जितने भी आर्मर बनाए मार्क 1 से लेकर मार्क 85 तक, उन सारे आर्मर्स के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आज का वीडियो काफी कमाल का होने वाला है, एंड तक जरूर देखना। तो बिना ज्यादा किसी को भाव दिए चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वेल, तो जो पहला आर्मर टोनी ने बनाया था गुफा से भागने के लिए वो था मार्क 1, जो बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट आर्मर था। और इस आर्मर को शॉर्ट में एक्सप्लेन करके बताओ तो एक तरीके से रेस्क्यू आर्मर था, जो टोनी ने जुगाड़ करके बस किसी तरीके से बना लिया और भाग गया। और जैसे ही टोनी रेगिस्तान में क्रैश होता है तो वहीं पर इस आर्मर का और टोनी का रिश्ता खत्म हो जाता है। बाद में वो लुटेरे आके, मतलब आतंकवादी आके उस आर्मर के टुकड़ों को जमा करते हैं और इसी आर्मर से इंस्पिरेशन लेके बना जाता है आयरन मॉर्क आर्मर। थोड़ा ज्यादा आगे चला गया मैं, फिर से पॉइंट के ऊपर वापस आते हैं। फिर घर आने के बाद में टोनी थोड़ा आराम करता है और फिर बनाता है वो मार्क 2 आर्मर, जो एक्चुअली मार्क 1 का अपग्रेडेड फॉर्म होता है। एक्चुअली टोनी का सबसे पहला बेस्ट आर्मर था, मतलब इस आर्मर के अंदर ऑलमोस्ट सारी चीजें थी। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम थी कि जब ये आर्मर ज्यादा ऊंचाई पर जाता है तो वहां पर जाने के बाद ये आर्मर फ्रीज हो जाता था। तो इसी प्रॉब्लम का सलूशन निकालते हुए टोनी ने बनाया मार्क 3, जिसके अंदर टोनी ने गोल्ड और टाइटेनियम मेटल का यूज किया, जिससे इस आर्मर को ज्यादा ऊंचाई तक उड़ा ले जाने के बाद में भी ये वहां पर फ्रीज नहीं होता। और मैं मार्क 2 के बारे में छोटी सी और डिटेल बता देता हूं कि मार्क 2 असल में वही आर्मर था जिसको आयरन मैन 2 के अंदर रोडी लेकर चला जाता है। और टोनी रोडी को आर्मर इसलिए दे देता है क्योंकि लिटरली इस आर्मर की वजह से एक बार टोनी मरते मरते बचाता। तो टोनी तो बोलता है कि चल लेके जा बेटा, वैसे भी आर्मर मेरे किसी और काम का नहीं। तो फ्लैशबैक को एंड करते हुए अपने पॉइंट के ऊपर आते हैं। तो मार्क 3 एक्चुअली में टोनी का सबसे बेस्ट आर्मर था, मतलब उसके अंदर ऑलमोस्ट सारी चीजें मौजूद थी। लेकिन भाई आयरन मैन 1 की फाइनल फाइट के अंदर वो आर्मर इतनी बुरी तरीके डैमेज होता है कि टोनी से रिपेयर भी नहीं कर पाया। तो उसी को रिप्लेस करते हुए, यानी कि मार्क 3 को रिप्लेस करते हुए टोनी बनाता है मार्क 4, जो एक्चुअली मार्क 3 का परफेक्ट रिप्लेसमेंट था। और टोनी ने काफी सारी चीजें आर्मर के अंदर अपग्रेड भी की थी। और यहीं पर खत्म हो जाते हैं हमें आयरन मैन 1 के सारे आर्मर। और फिर हमें देखने को मिलता है फर्स्ट टाइम आयरन मैन 2 के अंदर मार्क 5, जिसको टोनी एक सूट के अंदर प्रोटेक्ट कर लेता है। और ये फर्स्ट आर्मर था जिसको टोनी ने एक सूट के अंदर कैरी किया था, मतलब इससे पहले हमें आयरन मैन के किसी भी आर्मर को फोल्डेड करके दिखाया बिल्कुल भी नहीं गया था। और इस आर्मर को देखकर इसमें मजा आ गया था। लेकिन भाई ये आर्मर मार्क 4 के मुकाबले बहुत 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 ही ज्यादा कमजोर है। एक तरह की तुम इसको जुगाड़ू आर्मर बोल सकते हो कि भाई इमरजेंसी है, कुछ चाहिए तो भाई इस आर्मर का यूज कर लो। और इसके बाद हमें देखने को मिलता है मार्क 6 एक नए आर्क रिएक्टर के साथ में, जिस वजह से ये आर्मर काफी ज्यादा पावरफुल था। मतलब हर वो चीज जो तुम्हें चाहिए इस आर्मर के अंदर तुम्हें देखने को मिल जाएंगी। और यही आर्मर हमें देखने को मिलता है फर्स्ट टाइम एवेंजर्स मूवी के अंदर, जहां पर शील्ड हेलीकॉप्टर को रिपेयर करते टाइम ये आर्मर बहुत ही बुरी तरीके डैमेज हो जाता है और इस आर्मर का सफर भी वहीं पर खत्म हो जाता है। फिर हमें देखने को मिलता है एवेंजर्स 1 की फाइनल फाइट के अंदर मार्क 7, जिसकी एंट्री पर भाई मेरा दिल ही खुश हो गया था। और ये पहला ऐसा आर्मर था जिसके अंदर टोनी ने ऑटोमेटिक सिस्टम लगाया था, मतलब टोनी को वॉच को स्कैन करते हुए आर्मर सीधा उसके पास आ जाएगा और बड़ी से बड़ी मुश्किल से उसे बचा लेगा। और वे मार्क 6 की तरह इस आर्मर के अंदर भी ऑलमोस्ट सारी फाइटिंग स्टाइल थी, लेकिन मार्क 6 के मुकाबले आर्मर थोड़ा सा कमजोर था क्योंकि अंडर डेवलपमेंट था और टोनी ने आर्मर को पहले यूज कर लिया था। लेकिन इसके फाइनल वर्जन की बात करें तो हाँ, डेफिनेटली मार्क 6 से बेहतर बनने वाला था, लेकिन टोनी ने इसे पहले यूज कर लिया। तुम्हें पता है एक ही बार दो बार बोल रहा हूँ तो इसके लिए माफ कर देना। तो मार्क 7 के बाद में आती है टोनी की आयरन रीजन आर्मी, जिसके अंदर मार्क 8 से लेके तो मार्क 41 तक सारे आर्मर है, मतलब टोटल 33 आर्मर टोनी के आयरन रीजन आर्मी में थे। अब थे क्यों बोल रहा हूँ तो वो तो तुम सभी लोग जानती हो, लेकिन जितने भी थे उनकी खूबियां यहाँ पर एक एक करके गिनेंगे। तो मार्क 8 से लेके तो मार्क 14 तक टोनी ने जितने भी आर्मर बनाए बेसिकली ये मार्क 3 और मार्क 4 की तरह ही थे। मतलब टोनी ने कुछ खास इनके इंप्रूव नहीं किया, बस वेपन लगा दिए और एक आर्मी की तरह सारे आर्मर्स को बना लिया। लेकिन मार्क 15 जब टोनी ने बनाया तो उसे रियलाइज हुआ कि भैया वेपन तो आर्मर के जरूरी है, लेकिन कुछ आर्मर टेक्नोलॉजी भी कैरी करनी चाहिए ताकि टाइम पर आने पर काम पड़ सके। और इसी को ध्यान रखते हुए टोनी ने बनाया मार्क 15, जिसके अंदर एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी थी। मतलब इस टेक्नोलॉजी की मदद से इस आर्मर को कोई भी रेड डिटेक्ट नहीं कर सकता। आप लोग याद होगा आयरन 1 में जब टोनी सैर करने निकलता है बॉर्डर के बाहर, वो अलग बात है कि वो सैर करने जगह नहीं थी, लेकिन जैसे ही वो बॉर्डर क्रॉस करता है तो आर्मी वाले उसके आर्मर को तुरंत डिटेक्ट कर लेते हैं। तो उसी चीज से बचने के लिए टोनी ने मार्क 15 के अंदर एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी का यूज किया था। और इसी का थोड़ा अपग्रेड फॉर्म आता है मार्क 16, जिसके अंदर भी एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी थी और के साथ ही काफी ज्यादा एडवांस वेपन भी। टोनी हमेशा दो टाइप के आर्मर बनाता है, एक बेसिक और इसका एक फुल अपग्रेडेड फॉर्म। तो मार्क 15 और 16 भी कुछ ऐसे ही है। उसके बाद में आता है मार्क 17, जिसका कोड नेम है हार्ट ब्रेकर, क्योंकि इसका नाम इसलिए पड़ा, इसके अंदर काफी लार्ज एनर्जी आर्मर कंज्यूम करता है, जिस वजह से शील्ड और काफी बड़े बड़े ब्लास्ट आराम से कर सकता है। और इसी का थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन मार्क 18, जो भाई साहब लिटरली ये भी काफी ज्यादा पावरफुल आर्मर है, ये बड़े बड़े ब्लास्ट कर सकता है, शील्ड बना सकता है और हर वो चीज जो मार्क 17 कर सकता है। एक तरीके से मार्क 17 अपग्रेडेड फॉर्म है। जैसा मैंने पहले बताया टोनी हर आर्मर के दो टाइप बनाता है, एक बेसिक और अपग्रेडेड, तो बस वही सिलसिला चलने वाला है आगे तक, ठीक है। फिर आता है मार्क 20, जो टोनी का सबसे फास्ट आर्मर था और ये काफी बड़े सोनिक ब्लास्ट भी कर सकता था। उसके बाद में आता है मार्क 20, जो लॉन्ग डिस्टेंस फाइट के लिए टोनी ने इस आर्मर को बनाया था। और उसके बाद आता है
मार्क 21 जो मार्क 19 और मार्क 20 का कॉम्बो था। मतलब मार्क 19 की क्या एबिलिटी थी कि वो फास्ट था और सोनिक ब्लास्ट कर सकता था, और मार्क 20 की क्या एबिलिटी थी कि वो लॉन्ग डिस्टेंस फाइट कर सकता था। तो इन दोनों कॉम्बो वाले टोनी बनाया मार्क 21 जो इन दोनों ही चीजों को बड़े आराम से कर सकता था। उसी बाद में आता है मार्क 22 जो एक्चुअली वॉर मशीन के आर्मर को रिप्लेस करने के लिए बनाया गया था, मतलब बेसिक मॉडल था और बहुत ही ज्यादा वाहियात लगा मेरे को, तुम्हें कैसा लगा कमेंट बताना। फिर आता है मार्क 23 जो रिप्लेसर शूट कर सकता है, मार्क 24 जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आर्मर था, मार्क 25 जो एक्चुअली बनाया गया था कंस्ट्रक्शन के वर्क के लिए, और मार्क 26 जो एक्चुअली मार्क 25 का थोड़ा एडवांस वर्जन था। और उसके बाद में आता है मार्क 27 जो टोनी का अब तक का सबसे बेस्ट डिजाइन किया हुआ आर्मर था, मतलब भाई साहब इसको लुक तो देखो एकदम कातिल है। फिर आता है मार्क 28 जो एक्चुअली गामा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के लिए बनाया गया था, मतलब गामा रेडिएशन पता है ना किससे किसके पास होती है और किसके लिए आर्मर को डिजाइन किया गया था, और इसी आर्मर के बाद टोनी को आइडिया आया था हल्क बस्टर का, मतलब वो भी लिस्ट में है लेकिन आगे है ठीक है। फिर आता है मार्क 29 जो कंस्ट्रक्शन बेस वर्क के लिए बनाया गया था, लेकिन आर्मर के हाथ एकदम फ्री थे, मतलब मार्क 20 और 26 के हाथ देख सकते हो इसमें मशीन लगी हुई है लेकिन मार्क 29 में वो नहीं थे, मतलब इसके हाथ एकदम फ्री थे और ये कंस्ट्रक्शन का वर्क भी कर सकता था और उसके अलावा दूसरे काम भी कर सकता था। फिर आता है मार्क 30 जो काफी बड़े बड़े ब्लास्ट कर सकता था और एक फाइटिंग टाइप आर्मर था। इसके बाद में आता है मार्क 31 जो सुपर फास्ट और सुपर सोनिक ब्लास्ट भी कर सकता था, मार्क 32 उसका ही अपग्रेडेड वर्जन जो सोनिक ब्लास्ट भी कर सकता था और काफी ज्यादा तेज भी था। फिर आता है मार्क 33 जो मार्क 30, 31 और 32 तीनों के फीचर्स को कैरी करता था, मतलब कॉम्बिनेशन आर्मर। फिर आता है मार्क 34 जो एक रेस्क्यू आर्मर सूट था, और मार्क 35 जो उसका एक अपग्रेडेड वर्जन था, मतलब टोनी ने ऑलमोस्ट हर एक आर्मर के दो दो वर्जन बनाए हुए हैं। फिर आता है मार्क 36 जो अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन वार के लिए यूज किया जाता था, मतलब समाज सेवा अपने टोनी भाई दिल से करता है ठीक है। फिर आता है मार्क 37 जो अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन के लिए वर्क कर सकता था, मतलब कितनी भी गहराई होने तो पानी की यह आर्मर हर एक प्रेशर को आराम से सहन कर सकता है। फिर आता है मार्क 38 जो सुपर स्ट्रांग था, मतलब हैवी लिफ्टिंग के लिए आर्मर को यूज किया जाता था और हम लोगों ने इसे आयरन मैन 3 के अंदर भी देखा था। फिर आता है मार्क 39 जो स्पेस ट्रैवल के लिए बनाया गया था, मतलब अंतरिक्ष में चारे तारे तो तोड़ने है ही भाभी जी के लिए, तो उसके लिए खास आर्मर का डिजाइन किया गया था। फिर आता है मार्क 40 जो काफी ज्यादा फास्ट था और हाई सुपर सोनिक ब्लास्ट भी ये कर सकता था, मतलब सुपर सोनिक को लेकर टोनी को काफी ज्यादा लगा हुए। फिर मार्क 41 काफी हाई लिफ्टिंग भी कर सकता था, सुपर सोनिक ब्लास्ट भी कर सकता था और काफी ज्यादा तेज भी था, मतलब उस टाइप बहुत ज्यादा अपग्रेडेड वर्जन। और इसी के साथ में आयरन रीजन आर्मी के सारे आर्मर खत्म हो जाते हैं, मतलब मार्क 8 से लेके मार्क 41 तक जितनी भी आर्मर हम लोगों ने अभी तक देखे ये सारे के सारे आयरन मैन 3 में ही खत्म हो गए थे, क्योंकि सबके सब आयरन रीजन आर्मी के हिस्सा थे। और अपने टोनी भाई ने भाभी जी को दिवालिया गिफ्ट देने के लिए इन सारे आर्मर्स को उड़ा के रख दिया, मतलब जिंदगी में इतना पैसा चाहिए कि फटाके नाम ले तो अपने आर्मर्स उड़ा दो, भाई टोनी भाई का स्वैग ही अलग है। सॉरी टू ड्रॉप द टॉपिक चला गया, अपनी लिस्ट कंटिन्यू करते हैं। आयरन रीजन आर्मी खत्म हो गई, उसके बाद में आता है मार्क 42 और इस आर्मर को तुमने देखा होगा आयरन मैन 3 की स्टार्टिंग में जब पेपर के ऊपर बिल्डिंग गिरने वाली थी और टोनी आर्मर की मदद से पेपर को बचाता है। एक्चुअली ये पहला आर्मर था जिसको टोनी अपने हाथों की मदद से इस तरीके से कंट्रोल करके पुर्जे हिला सकता था। उसके बाद में आता है मार्क 43 जो सिमिलर था मार्क 42 की तरह लेकिन थोड़ा एडवांस फीचर को ये कैरी करता था। फिर आता है मार्क 44 जिसको हम सभी ने देखा था एज ऑफ अल्ट्रॉन के अंदर, हाँ भाई हल्क बस्टर आर्मर जो एक्चुअली गामा रेडिएशन को अब्सॉर्ब भी कर सकता है, काफी जरा पावरफुल भी है और भाई आर्मर 11 से 12 आर्क रिएक्टर को कैरी करता है, मतलब पावर तो धमाल है। उसके अलावा स्लीपिंग गैस और वेरोनिका की यूज की मदद से भाई इस आर्मर को डिफीट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, वो अलग बात है पहले चलाना चाहिए वरना कहीं भी मुंह काला हो जाता है। तो ग्रुप बैनर से हटे हुए टॉपिक पर वापस आते हैं। फिर आता है मार्क 45 जिसको आप लोगों ने एज ऑफ अल्ट्रॉन के फाइनल बैटल में देखा ही होगा, भाई टोनी काफी इनहांस वेपन का आर्मर था क्योंकि टोनी को पता है अल्ट्रॉन से लड़ना है कि दूध पीते बच्चे से नहीं। फिर आता है मार्क 46 जिसको हम लोगों ने देखा था सिविल वॉर के अंदर जहां पर कैप्टन के साथ में थोड़ी बहस हो जाती है, तो एक्चुअली आर्मर मार्क 45 के अपग्रेडेड वर्जन था लेकिन उसके बावजूद भी कैप्टन ने इस आर्मर की धज्जा उड़ाई दी थी। और इस आर्मर की खास एबिलिटी ये भी थी कि काफी सारे आर्क रिएक्टर्स को कैरी करता है, मतलब जैसे हल्क बस्टर के अंदर 11 आर्क रिएक्टर थे तो इस आर्मर के अंदर भी काफी अलग अलग जगहों पर आर्क रिएक्टर लगे हुए थे, मतलब सीने का आर्क रिएक्टर कुछ हो भी गया जैसे कैप्टन ने कांड किया था उसके बाद भी थोड़ा आराम से चल सकता था, वो तो अपने टोनी भाई नहीं चाहते थे वरना उठ के कैप्टन की उसमें बजा भी सकते थे। अब ये फीचर यहाँ पर इसलिए मैंने बताया वरना कैप्टन के फैंस ज्यादा ही हवा में उड़ने लगते हैं, आपका ख्याल है कमेंट बता रहे। चलो स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। फिर आता है मार्क 47 आर्मर जिसको हम लोगों ने स्पाइडरमैन होमकमिंग के अंदर देखा था, जहां पर टोनी भाई अपने फोन की मदद से आर्मर को किधर भी उड़ा चला सकते थे और इसके अंदर भी काफी सिमिलर फीचर थे मार्क 46 के। फिर आता है मार्क 48 और मार्क 49
जिनके बारे में हमें कोई भी ज्ञान नहीं है। मतलब सीरीज के अंदर इन्हें कुछ दिखाया नहीं गया और गूगल बाबा ने कुछ आंसर नहीं दिया, तो हम फिर इन दोनों आर्मर्स पे स्किप करते हैं। Mark 48, Mark 49, Rep 10 Peace, वैसे सारे आर्मर उड़े, ये भी उड़ी जाते हैं, क्या फायदा। ठीक है, उसके बाद में आता है Mark 50। तो फिलहाल कॉन्ग्रेचुलेशन, 50 आर्मर पूरे हो गए। Mark 50 एक्चुअली पहला आर्मर था जो नैनो टेक टेक्नोलॉजी को कैरी करता है। भूल तो नहीं गए भाई, इन्फिनिटी वॉर के स्टार्टिंग में जो टोनी का सूट ऑफ सीन था, एक्चुअली ये वही आर्मर है। और इसकी खूबियां मेरे को नहीं लगता बताने की जरूरत है, ये टोनी का अब तक का सबसे बेस्ट आर्मर था भाई साहब। लिटरली इसके अंदर वो हर एक वेपन था जो तुम इमेजिन कर सकते हो, मतलब नैनो टेक, हर तरीके की बंदूक है, सारी ब्लेड और हर चीज, मतलब टोनी का अब तक सबसे पीक लेवल का यही आर्मर था। इसके ऊपर कोई नहीं है, इसलिए तो सेंचुरी का आर्मर है, मजाक थोड़ी है। 50 कॉन्ग्रेचुलेशन इन एडवांस, पता है मैं थोड़ा भाग जाता हूँ कभी कभी। तो यहाँ पर इन्फिनिटी वॉर खत्म होती है और उसके बाद जो 5 साल बीतते तो इसके अंदर टोनी ने टोटल 35 आर्मर बनाए थे। इसका हमें गूगल बाबा से हिंट मिला है कि इन 5 सालों के अंदर टोनी खाली घर पे नहीं बैठा था। मतलब भाई खाली क्यों बैठेगा, बच्चे हो गए, बीवी हो गई, तो ये काम धंधा करना छोड़ देगा, आदमी है, बीवी बच्चे अलग, काम अलग। मतलब हाँ, 5 सालों में टोनी काम बिल्कुल नहीं बैठा था, उसने टोटल 35 आर्मर बनाए थे जिनके बारे में हमें मूवीज में कुछ नहीं बताया गया और ना ही इंटरनेट पर गूगल बाबा ने कुछ जवाब दिया। तो इन 35 आर्मर्स के बारे में हम ज्यादा फिलहाल बात नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद में जो एंड गेम के अंदर आर्मर देखने को मिलते हैं उनके बारे में तो हम गपशप कर ही सकते हैं। तो फिर पेज पलटा लेता हूँ, फिर एंड गेम में जो लास्ट आर्मर देखने को मिलता है, आखिरी आर्मर है, सॉरी एक ही आर्मर बचा है, वो है Mark 85। एक्चुअली ये आर्मर फाइटिंग है ही नहीं, मतलब सॉरी ये आर्मर फाइटिंग टाइप था ही नहीं। एंड गेम में एक्चुअली टोनी ने इस आर्मर को बनाया था सिर्फ और सिर्फ स्नैप करने के लिए। अगर भाई एंड गेम की फाइट में मार्क 50 होता, लिटरली टोनी थैनोस की और अच्छी तरीके से वाट लगा सकता था, लेकिन मार्क 85 था, इसे टोनी थैनोस से ज़्यादा फाइट नहीं कर पाया। एक्चुअली टोनी ने बनाया इस आर्मर को था स्नैप करने के लिए, ये पूरी बॉडी के अंदर सारे स्टोन की एनर्जी को सर्कुलेट करने के लिए स्पेशली बनाया गया था और यही इस आर्मर का पर्पज था और यही टोनी का लास्ट आर्मर था MCU के अंदर। और इसके साथ में टोनी के सारे आर्मर्स खत्म हो जाते हैं, मतलब मार्क 1 से लेके मार्क 85 तक हम लोगों ने सारे आर्मर्स को देख लिया। और वो जो 35 आर्मर मिसिंग है उनके बारे में मुझे कोई पता चला तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा, लेकिन भाई यहीं पर लव यू 2000 हो जाता है हमारे टोनी भाई का मार्क 85 के साथ में। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आपको बताइए सब्सक्राइब करना पड़ता है, तो जल्दी कर दो, पैसे बिल्कुल भी नहीं लगते। तो बिना किसी की ज़्यादा खुशामद किए हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।